ओबीसी जनरल माइनॉरिटी एससी एसटी इतने छात्रों का डाटा नॉट वेरीफाइड। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ओबीसी जनरल माइनॉरिटी एससी एसटी छात्रों के लिए। उसके अलावा पोर्टल फिर से ओपन होगा। जी हाँ, इस दिन से आप करेक्शन कर सकते हैं। AKTU और लखनऊ यूनिवर्सिटी छात्रों को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना, लेटेस्ट अपडेट है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट, क्या है पूरी अपडेट। पहले तो ये देख लीजिए कि यहाँ पे क्या मेंशन है, फिर आगे बात करते हैं कि ओबीसी के लिए पोर्टल नहीं खुलने पर छात्र गुस्से में। क्योंकि शासन स्तर से मेरठ की न्यूज़ है कि शासन स्तर से एससी वर्ग के छात्रों के लिए 17 से 19 अप्रैल तक पोर्टल छात्रवृत्ति आवेदनों में संशोधन को पोर्टल खोलने और ओबीसी के छात्रों को अभी तक राहत नहीं मिलने से छात्र गुस्से में है। विनीत चपराना एवं अंकित आधाना के अनुसार ओबीसी के विद्यार्थियों के साथ ये भेदभाव, यानी ओबीसी के को छोड़ के छात्रों का पोर्टल ओपन किया लेकिन ओबीसी के लिए ओपन नहीं किया जाता, उसको लेकर छात्र गुस्से में है। उसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे और देख सकते हैं कि छात्रवृत्ति की त्रुटि यानी करेक्शन करने के लिए ओबीसी छात्रों के लिए भी पोर्टल खोलने की मांग की जा रही है, जिसमें अंकित आधाना और छात्र नेता विनीत चपराना ने भी आवाज़ उठाई है। अब यहाँ पे आप आगे देख सकते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है AKTU और लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए। तो AKTU के लिए क्या अपडेट है, यहाँ पे अपडेट ये है कि विभिन्न कॉलेजों से भेजे गए डेटा को लखनऊ यूनिवर्सिटी ने सत्यापित नहीं किया, जबकि इसके चलते 5349 छात्रों की छात्रवृत्ति जो है मिलने से छात्र वंचित रह चुके हैं। जबकि बीटेक के एमटेक एमबीए एमसीए समेत विभिन्न तकनीकी कोर्सेज को, यानी जितने टेक्निकल कोर्सेज होते हैं विभिन्न टेक्निकल कोर्सेज के संबंधित अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी जिसे हम AKTU कहते हैं, AKTU लखनऊ से डेटा वेरीफाइड कराना होता है, लेकिन इन कॉलेजों की अथवा यूनिवर्सिटी यानी कॉलेजों ने या फिर यूनिवर्सिटी के स्तर से की गई लापरवाही के कारण हजारों की संख्या में छात्रों का जो है डेटा वेरीफाइड नहीं किया गया, छात्रवृत्ति छात्र वंचित रह गए। समाज कल्याण विभाग के कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार MIT के दो कॉलेज BIT और नीलकंठ समेत जिन जिन विद्यार्थियों जिन जिन कॉलेजों में BTech आदि तकनीकी कोर्स है उन सभी को इस लापरवाही का सामना करना पड़ा। जबकि कॉलेज स्तर से जो जानकारी समाज कल्याण विभाग को दी गई है उसके अनुसार उनके स्तर से कई बार वेरिफिकेशन के लिए पत्र व्यवहार किया गया, लेकिन AKTU के स्तर से इसको वेरीफाई नहीं किया। अब बताइए AKTU की लापरवाही यहाँ सामने निकल के आ रही है, बाकी सच्चाई क्या है पता नहीं। ऐसे छात्राओं की संख्या 5349 बताई जा रही है, जबकि इसमें 1358 छात्र अनुसूचित जाति के हैं, तीन जो है अनुजनजाति के हैं। जी हाँ, यानी कि 1358 अनुसूचित जाति के हैं, जबकि 3 अनुसूचित जनजाति के हैं और 1062 जनरल के हैं, 2213 ओबीसी के हैं। और इस संबंध में जिला समाज कल्याण अधिकारी सुनील सिंह का कहना है कि जनपद में अभी तक अनुसूचित जाति के लिए कुल 21073 छात्रों का डाटा वेरीफाइड किया गया, जिसमें से 2211 के खाते में छात्रवृत्ति व शुल्क भरपाई आ चुकी है, यानी कि करीब 2211 छात्रों की स्कॉलरशिप आ चुकी है ओबीसी की। जबकि सामान्य वर्ग के 9958 आवेदन में से 9528 को छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ मिला है, यानी लगभग जनरल के सभी छात्रों के आ चुके 300-400 को छोड़ के। जबकि अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के छात्रों के 12349 आवेदन आए थे अल्पसंख्यक के, जिसमें से केवल 4200, ये कितना अन्याय कर रहे हैं, देखो माइनॉरिटी के साथ कितना ये अन्याय कर रहे हैं कि 12346 में केवल अभी 4200, यानी 8000 छात्रवृत्ति, अभी 8000 माइनॉरिटी के जो छात्र उनको अभी तक स्कॉलरशिप नहीं मिली है। शेष के संबंध में मुख्यालय से पत्राचार किया गया, एससी विद्यार्थियों के लिए 17 से 19 तक का अप्रैल तक का एक मौका देने का आदेश भी जारी हो गया है। अन्य वंचित विद्यार्थियों के संबंध में मुख्यालय से जो आदेश प्राप्त होंगे उनका पालन कराया जाएगा, यानी जो भी अपडेट आएगी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। बहरहाल अभी अपडेट यही कि ओबीसी की जो एससी एसटी के छात्र उनके लिए पोर्टल ओपन होगा। लेकिन और हाँ, एक अपडेट होगी, UGC नेट का जो परीक्षा परिणाम आज घोषित होगा, अगर आप लोगों ने दिया तो उसको देख सकते हैं। बहरहाल अब AKTU और लखनऊ यूनिवर्सिटी समझ सकते हैं कितना लापरवाही करते हैं कि छात्रों का डाटा इन्होंने वेरीफाइड नहीं किया, चाहे ओबीसी क्यों चाहे जनरल क्यों। खास करके सबसे ज़्यादा अन्याय हो रहा है ओबीसी और माइनॉरिटी के बच्चों के ऊपर, ज़्यादा अन्याय हो रहा है। और इसमें एससी एसटी भी हैं ऐसा नहीं है, बट जनरल के छात्रों का मैक्सिमम आ चुका है, लेकिन जो माइनॉरिटी के हैं ओबीसी के उनका थोड़ा अभी फंसा हुआ है पेज। लेकिन 17 से 19 तक जो पोर्टल ओपन होगा उसमें चांसेस यही है कि हो सकता है सभी को चांसेस मिल जाए। बहरहाल कोई अपडेट आती है तो आपको इन्फॉर्म करेंगे, और बाकी बहुत ही 3 से 4 अपडेट जो है इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आप लोग जो भी डाउट हो कमेंट करिए या फिर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों को भी शेयर करें।